और आप रिलक्टेंट एक्टर, पैंट फट गया इसलिए एक्टर, बदबू ज़्यादा थी वो आदमी भाग गया इसलिए एक्टर, क्या है कहानी? मेरी बहन बहुत खूबसूरत और मैं एकदम टप भिल्लो सी दिखती थी आप। मैं बदतमीज, चाय बना दे, नहीं बना रही। तो उसमें मुझे बड़ी खुशी हो गई कि यार इतने सारे लोगों ने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई, तो मैं तो उसी में शौक थी यार मैं कैसे सिलेक्ट हो गई। बहुत अच्छा नाम चुन के एक्चुअली लिया है ना? पूजा 2.0 भी कर रही है। न्यूटन चचा बड़े खुश होंगे, आज हमको नए सिरे से गुरुत्वाकर्षण का महत्व पता चला है। कायसे की पंचायत की पहली किश्त में हमने 3 झामफाड़ लोगों से खूब ज्ञान लिया, ऐसे गुरुता आ गई। पर कुल जमा बात यह है कि रिम दस्ते पर कलम को घुमा के कुछ किरदारों को गढ़ तो दिया जाता है, लेकिन उनमें जीवन मांस मज्जा आता है जब एक्टर उसको पर्दे पर उतारते हैं। लेंस के उस पार की दुनिया हमारे लिए जिंदा हो जाती है। एकदम से भारी भरकम इंट्रो हो गया आप काफी। हाँ, तो हम पंचायत के किरदारों से मिल रहे हैं। पहली किश्त में हम टीवीएफ के कर्ता धर्ता और पंचायत के राइटर और डायरेक्टर से मिले। इस किश्त में हम 3 ऐसे किरदारों से मिल रहे हैं जो कथित तौर पर तो मुख्य किरदार नहीं हैं, लेकिन इसीलिए कथित जोड़ा जाता है क्योंकि निगाह अक्सर स्पॉटलाइट की परिधि के ठीक बाहर खड़े उन आकृतियों को चीनने की कोशिश करती है जो मंच को उसके हिस्से की सब अभिधा मुहैया करवाते हैं। मेरे साथ इस बातचीत में शामिल हैं अपनी आँखों से भाव प्रवण अभिनय करने वाली सुनीता जी। बाप रे, आप इतने प्यारे से हो ना सच में। और थाना प्रभारी धनसर यार एकदम गदर कटा हुआ है, मतलब भयानक गूगल हो रहा है। एसईओ वालों का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो काम करते हैं, आपने काम बढ़ा दिया, एक नया कीवर्ड फैजल मलिक है ना। और हमको बताया गया कि बड़े डार्लिंग आदमी है, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं। और तीसरी वो जिनको बाकायदा मुनादी पीट के देश की सबसे एलिजिबल बैचलर करार दिया गया है। इनका एक कनेक्शन और है, हमको बताया गया है कि टीवीएफ में अरुणाब उन लोगों को जल्दी चांस और नौकरी देते हैं जिन्होंने बीटेक इत्यादि किया हो। सही बात है? हाँ, थोड़ी सी। नहीं, ये बीटेक वाली बात सही है या चांस वाली? बीटेक वाली बात सही। और इनके साथ अभी लेकिन एक समस्या है, काहे से कि ये मशहूर हो गई, अच्छी बात है, ये समस्या नहीं है। तो अभी इनका ये अभ्यास नहीं हुआ है कि इंडस्ट्री वाला नाम बोलें या सच्ची मुच्ची वाला नाम बोलें। वो कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि आप इतने साल से आप अपना ओरिजिनल नाम बोल रहे हो और फिर एकदम से याद नहीं रहता। क्यों बदल लिया नाम? सो एक्चुअल में ये था कि सीज़न 1 जब था तो मेरा नाम पूजा सिंह था उस टाइम पे। और उस टाइम पे ऑलरेडी इंडस्ट्री में, एक तो पूजा बहुत कॉमन नाम है, तो इतनी सारी पूजा रहती हैं, तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में कोई एग्जिस्ट कर रही थी। एंड काफ़ी टैग्स में, आर्टिकल्स में तो गलत इन्फॉर्मेशन जा रही थी, तो उस कारण मुझे वो नाम चेंज करना पड़ा। और ये नए नाम के पीछे क्या कहानी है? कहानी वही कहानी है कि मतलब वो काफ़ी कॉमन नाम था और वो आर्टिकल्स वगैरह में काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन जा रही थी, तो अगर वो कुछ कह रही थी तो मेरा नाम जाना था या मैं कुछ नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नया नाम ऐसे नया नामकरण ऐसे किसी ने बताया ये नाम रख लो, जैसे बचपन में होता है ना कि तुम्हारे गुरु लड़का या लड़की होगी, तो नहीं, तो ये मैंने खुद से ही वो चूज़ किया था। तो मैंने बहुत सारे नाम थे, तो मैंने बहुत सारे नाम शॉर्टलिस्ट किए और फिर मैंने अपने दोस्तों को भेजा और फैमिली को भेजा और उनसे बोला कि जो भी अच्छा नाम है मुझे बताओ। तो वो शॉर्टलिस्ट होके सिर्फ 2 नाम आए थे, एक सानविका था और एक आद्या था। तो आद्या, हाँ, तो फिर मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। क्या अर्थ होता है सानविका में? दिस इज ये लक्ष्मी माता का एक नाम है। अच्छा, बहुत अच्छा नाम चुन के एक्चुअली लिया है ना? पूजा 2.0 भी कर रही है। 2.0 ऐसे पिक्चर नहीं देखता, रमन राघव 2.0। पर ये बड़ा यूनिक नाम होता है ना पूजा, पूजा 2.0। ये आपसे मैंने कंसल्ट नहीं किया। ये आगे किसी को ये आइडिया मिल सकता है। मैं नाम चेंज कर दूं क्या? सुनीता 2.0। मैं नई सुनीता हूँ। ईयर के साथ बदलता रहा ना, 3.4.1 नए वर्जन आते रहेंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा वैसे। आधे लोग तो इसी चीज के लिए इंटरव्यू लेने आएंगे। नाम क्यों बदल दिया? नहीं, और फिर आप उनको बता दीजिएगा कि ये फलाने मोहल्ले में मुंबई के एक अमुक है, उन्होंने बताया था ये बदल लो तो एकदम तुम्हारे हैं चांद सितारे बदल जाएंगे। हाँ, तो अभी जैसे ये हम लोगों को ना, हम लोग बचपन में जीके के जरूरी सवाल की तरह याद करते थे कि तुम्हें पता है अक्षय कुमार और अजय देवगन के असली नाम क्या हैं, राजेश का। तो ऐसे आपका भी अब तो जीके का सवाल बन गया। सान्विका का असली नाम क्या है? Yes. जबलपुर में मिठाई उठाई बट गई कि नहीं? अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है जबलपुर से, लेकिन हाँ चर्चा काफी है। ऐसे रिश्तेदारों पूछ बढ़ गई होगी ना? हाँ, बहुत ज्यादा। दीदी चिंकी की मंगनी है, आपको जरूर आना है, दे इंस्टा रील। बहुत ज्यादा है। और उस मध्यवर्गीय महान डर का क्या कि बेटा वहां तो इतनी इनसिक्योरिटी है। हाँ, वो तो थी, स्टार्टिंग में थी जब मैं आई थी, तो उस वक्त झूठ बोल के आई थी। जब मैं झूठ बोल के आई थी, जी झूठ बोल के आई थी मैं। तो मैं बैंगलोर निकली थी, फिर बैंगलोर से मैं बॉम्बे आ गई थी। तो जब उनको पता चला कि मैं बॉम्बे में ये कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ, तो पहले मैंने नहीं बताया था। फिर उनको इनसिक्योरिटी थी, लेकिन उनने मुझे फ्रीडम दी थी कि हाँ बेटा, बाद में तुम मुझे ये ना बोलो कि आपकी वजह से मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाई। तो वो फ्रीडम उनने दे रखी थी, लेकिन साथ ही साथ उनको लगता था कि ये हॉबी है उसकी, यू नो, एक दो साल करेगी, बोर हो जाएगी, फिर उसके बाद वो काम चलने लगा। तो अब उन्होंने डिस्कवर किया या आपने बम फोड़ा कि माँ बाबूजी मैं बदल गई हूँ? नहीं, मैंने उनको बता दिया था, 2 महीने बाद बताया था, लेकिन बता दिया था। हाँ, अच्छा। जैसे सुनीता जी, इन्होंने अपनी जर्नी बताई, ऐसे बीटेक करके बेंगलुरु से इधर चली आई, पर आप तो एकदम NSD, रिगरस ट्रेनिंग है, देवेंद्र राज अंकुर, बंसी कौल, अनुराधा कपूर, एकदम लेजेंडरी लोगों से पढ़ के आई। तो आप लोग जैसे इनके साथ काम करते हैं तो किस तरह की ट्यूनिंग रहती है? अब आप इतना काम कर चुकी हैं कि ऐसा जजमेंट नहीं रहता है नए लोगों के साथ काम करना, या आई विल बी ब्लंट हियर, अनट्रेंड एक्टर्स के साथ काम करना, तो आपकी अप्रोच क्या होती है? मेरा मानना अलग है। मैं रिसेंटली भी अपने कुछ दोस्तों के साथ यही चर्चा कर रही थी कि मैं किसी के साथ भी काम करूं, चाहे उन्होंने काम किया हो या नहीं किया हो, ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। मुझे ऐसा लगता है हम जो ट्रेंड लोग हैं, वी हैव टू बी मोर हम्बल, बिकॉज वही काम कर रहे हैं जो मैं ट्रेनिंग करके कर रही हूँ। सो मैं उनको अपने से कम कभी देखती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो तो उसी जगह पर है ना, प्लेटफॉर्म तो हमारा अभी तो एक ही बेस पे खड़े हैं, तो वो तो मेरे से कम है ही नहीं किसी भी नज़रिए से। भले ही मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास ट्रेनिंग है, लेकिन काम वो भी अच्छा कर रहे हैं, काम मैं भी वही कर रही हूँ। तो मैं ये कभी ऐसा बदलाव मेरे अंदर कभी आया नहीं, कभी मैंने नहीं देखा। और वो पंचायत के शूट में वो ग्रुपिज्म, हम NSD वाले, ना 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 ना, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे संग, तो कभी नहीं हुआ। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे इस बात ये बोलते हैं जो नॉन NSDians हैं कि तुमको देख के ही नहीं लगता है तुम NSD की हो। अच्छा, NSD वाले क्या अलग स्पैक देते रहते हैं? नहीं, जैसे आपने बोला ना कि होता है कि आप में, अभी आपके दोस्तों ने कहा ना कि लगता नहीं है। हाँ, क्योंकि शायद उन लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बार बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि NSD ही नहीं, जो लोग थिएटर करके भी आते हैं, बहुत बार उनको ऐसा लगता है अरे यार हम तो थिएटर करे हुए हैं। ऐसा होता है, हम तो स्वर्ग से निष्कासित देवता हैं किसी नियति के तहत। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग बात बोल रही हूँ या ये बात मैं पहली बार बोल रही हूँ। ये तो जग जाहिर है कि जो थिएटर वाले होते हैं, NSD वाले होते हैं, यस, उनको ऐसा है कि अरे हमने तो करा हुआ है, ये एक उनके दिमाग में तो रहता ही है। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, मैं इस मेरा वो नज़रिया कभी रहा ही नहीं। अच्छा, आपका घर हल्द्वानी में है, अभी भी परिवार वाले लोग वहीं रहते हैं? अभी तो खूब ऐसे वो आते होंगे, जैसे पंचायत, उसके पहले गुल्लक हैं, मतलब मशहूर तो आप पहले से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन दो वेब सीरीज को इन्होंने मुझे बहुत नाम और ज़्यादा पहचान दी है। मतलब रिश्तेदार घर वाले तो आप पहला भी सीरियल करो तो उनको उनको ये लिए आप हो जाते हो एक सेलिब्रिटी। हल्द्वानी जागरण में छप गई फोटो। स्कूल वाले जो कॉलेज वाले दोस्त होते हैं तो वो सारे लोग अभी, हाँ हम अभी गए थे हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, हमको आपका घर का नाम भी बता दिया गया था। क्या है अब वो इनका चुनाव है भाई, बताइए। मेरे तो बहुत सारे घर के नाम है एक्चुअली। मेरे वैसे घर का नाम गीता है, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे कालू बोलते थे। तो एक बहुत हिंदी में कमाल के राइटर हैं अशोक पांडे, तो हम लोग वहाँ गप कर रहे थे तो सुनीता जी का जिक्र, बोले अरे वो एकदम और बड़े बड़े बहुत ही वात्सल नहीं, दरअसल आत्मीयता और वात्सल्यता के साथ, वात्सल में थोड़ा उम्र का फासला वाला अक्सर भाव आ जाता है। और आप रिलेक्टेंट एक्टर, इत्तेफाकन एक्टर, पेट फट गया इसलिए एक्टर, बदबू ज्यादा थी वो आदमी भाग गया इसलिए एक्टर, क्या है कहानी? अरे वही वो है कि वो एक्टर जो थे वो बेचारे वो स्लॉटर हाउस देख के आए नहीं या नहीं आ पाए थे उस दिन, तो हम लोग वहीं पे थे। नहीं आ पाए थे या गंद देख के भाग गए? भाग वही वो था, वो चले गए। महाराज बड़ाइए मत ना, ये देखिए विनम्रता के। वो जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात हो रही है जी। तो उसमें जो है सर थे और अनुभूति एसोसिएट डायरेक्टर थी उनकी बहन, उनकी बड़ी कमाल की फिल्म आ रही है डॉक्टर जी आयुष्मान के साथ, तो वो उन्होंने बोला कपड़ा पहन के कर लो नहीं तो 4 घंटे बाद लोकेशन चली जाएगी। तो हम पंकज सच्ची मुच्ची का स्लॉटर हाउस कहाँ शूट किया? इलाहाबाद में, हमारे घर के पास ही निज निवास। तो मैंने परमिशन वो कराई थी, तो पंकज भाई थे, सारे एक्टर तो आ ही गए थे। इतनी देर में था करो करो करो, जब तक तो वो पैंट पहनी, वो पैंट फट गई, तो जब वो फटी पैंट को जो है सिला गया कि ताकि वो लोकेशन चली ना जाए जल्दी से, तो वो जो है 2 टेक में खत्म हो गया शॉर्ट। फिर बाहर निकल के सर ने बोला इस कैरेक्टर का काम बहुत है, 5-6 दिन काम करी यार। तो आप क्या कर रहे थे उससे पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर? गैंग्स ऑफ वासेपुर में प्रोडक्शन में थे हम लोग, और उसके पहले ही जब वासेपुर शूट हो रही थी तो एक शो है अमेजिंग डेज एक्शन पे आता था, उसका हम लोग लाइन प्रोडक्शन कर रहे थे बनारस में। तो सर ने बोला कि आपको मेरे दर्शकों को बताना होगा कि लाइन प्रोडक्शन क्या होता है, कई को शायद ना पता हो। हाँ, तो लाइन प्रोडक्शन जो ग्राउंड जैसे एक प्रोड्यूसर है उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, फ्रॉम A to Z, फ्रॉम कास्टिंग से लेके मतलब जहाँ से फिल्म स्टार्ट हो रही है और जहाँ से फिल्म की डिलीवरी है एंड तक। जैसे ये प्रहलाद चा की वैनिटी कौन सी होगी, किस सीन में इनकी कॉस्ट्यूम क्या रहेगी, इनको नहीं, ये तो टीम का पार्ट है। जो ग्राउंड प्रोडक्शन होता है, जो आपको चीजें मिलती हैं सुबह से लेके रात तक में, खाना से लेके प्लानिंग से लेके कहाँ वो होगा, तो ये लाइन प्रोडक्शन करता है पूरा सर। जो आपका ग्राउंड, हाँ, लोकेशन कौन सी होगी, वो डायरेक्टर के साथ है, ये प्लानिंग प्लॉटिंग जो होती है पूरी, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है जो उसको सुपरवाइज करता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है। तो इस तरह से 3 लेयर का था। लाइन प्रोड्यूसर के नीचे जो है प्रोडक्शन कंट्रोलर, यूनिट यूपीएम होता है, यूनिट प्रोडक्शन मैनेजर, जो ये क्रू को रन करता है एक साथ। अंग्रेजों में यूपीएम कहते हैं, जो वहाँ पे जिसे हमको यहाँ पे लाइन प्रोड्यूसर कहते हैं। उनके यहाँ जो सबसे उनके फॉरेन क्रू में जो सेकंड इन कमांड होता है वो यूपीएम होता है एक तरीके से। वो बनाता है प्लान, कॉप चीज़ कहाँ क्या होने वाली है, तो उसके ऊपर बहुत पावर रहती है। तो जैसे इस तरीके से हम इवेंट करते हैं ना, एक ग्राउंड इवेंट, तो पर डे का जो इवेंट सेट होता है, हु व्हेन व्हाई वेयर कैसा होगा, कॉस्ट के साथ उसको बैलेंस करते हो, उसको हम कहते हैं लाइन प्रोड्यूसर। जिसके पास एक बजट होता है उसको उसी बजट में बनाना होता है, यह है। बढ़िया, तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, उसके नीचे से शुरू हुआ था मेरा। तो मैं तो सब कर चुका, मैं एडी भी था पहले, फिर फ्लोर भी करता था। पहले मैं एक जो है लाइब्रेरी में टेप लगाता था, ए फॉर आंधी, ऐसे फिल्म नहीं होती थी ऐसे करके, तो टेप ए से मतलब नहीं, मुंबई में, वही बॉम्बे में ही। उसके बाद मैंने रात में जो है एक एडिटिंग मशीन थी मीडिया 100, वो चलाता था। फिर मैंने वही सीखा, सीखने के बाद जाके अपने बॉस को बोला कि फिल्म का प्रोमो काट सकता हूँ मैं, तो फिल्म का प्रोमो काटता था। कौन सा प्रोमो काटा सर? सारी चैनल की फिल्म थी। पहले मैं सहारा में था काफ़ी साल, 1.5 साल, फिर जी सिनेमा में था। शनिवार की रात अमिताभ के साथ नहीं देखा आपने? हाँ, वो सब ने कैंपेन किया हुआ था, तो वहाँ पर उनके यहाँ की नौकरी करता था, तो अपने हाथ से कर लेता था। तो एडिट स्क्रिप्ट करके वीओ किसी से करा लिया और जो दिखा दिया, तो वो करता था। फिर उसके बाद फिर एक दिन मन चला गया, तो ये हुआ कि नॉन फिक्शन शो करूँगा, तो चला गया नॉन फिक्शन शो करने के लिए। फेम गुरुकुल एक शो आया था, अरिजीत सिंह जिसमें उसमें नौकरी करता था मैं। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यू मैंने 1.5 साल 4-5 शो किया। फिर उसके बाद मैंने ये भी अंग्रेज़ों का शो मिल गया पहली बार बॉम्बे में, पता लगा कि इसे कहते हैं प्रोडक्शन, मतलब इंग्लिश नहीं, उन्होंने जिस तरीके से काम कराया ना, हाँ प्रोफेशनली, हाँ कि मतलब कि पहले तो लगा कि उन्होंने बोला कि तुम तो अपना काम घर वर छोड़ के यहाँ मैरिड में रहोगे, तो हमने कहा बड़े बेवकूफ़ हैं, 4 बंगले में तो घर है, जब चाहेंगे रोज आ जाएंगे, ये लोग कहने यहीं आके रहो। सबको रूम मिला अपना अपना, सबको ब्रीफ दिया गया कि तुम्हारे नंबर ऑफ आवर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तुम कितने इंपॉर्टेंट हो क्रू के लिए। तो ऐसा लगता था कि बाकी इतनी इज्जत मिली, वरना प्रोडक्शन वाले सब गाली बकते हैं, बहुत ही वो थैंकलेस जॉब होता है ना, कि मतलब लोग जो है डायरेक्टर को कह देते हैं, एक्टर को कह देते हैं, प्रोडक्शन वाले कोई तारीफ़ नहीं करता है, कहते हैं रोज़ ही मरता रहे। फिर भी जो है फर्स्ट आदमी सेट पे तो जो है वो स्पॉट बॉय पहुंचता है ना, उसके बिना सेट नहीं चलता है। तो हम लोगों को वहाँ ऐसा थोड़ा उल्टा पुल्टा रहता है, पर वहाँ बहुत इज्जत थी। एक आदमी को 2 वो मिलते थे रोज़ गैटोरेट पीने के लिए, लिखा रहता था खाने में, ये खाओगे ये पियोगे ये हो। दो गैटोरेट नहीं आते थे, एनर्जी ड्रिंक। अच्छा, कि आप जो खाएंगे वो भी वो बताएंगे, आप ऐसे नहीं आपको खिलाया जाएगा, बच्ची जहाँ खाइए रहिए और काम करिए। तब मुझे लगा कि यार ये तो अच्छा हो रहा है, दिल तो अच्छा चीज़ कराते हैं। तो मज़ेदार था। उसके बाद कुछ सर के साथ कुछ दिन काम किया मैंने, अनुराग सर के साथ। फिर मैंने अपनी कंपनी खोल ली एक दिन। हाँ, किस नाम से है कंपनी? हमारी फिल्म कंपनी। हमारी फिल्म कंपनी क्या करती है? कंपनी प्रोड्यूस करती है। नहीं, हाँ, कुछ फिल्म कुछ बना रहे हैं, शो बनाया है, कुछ बना रहे हैं, कुछ बना चुके। MTV के लिए काफ़ी शो बनाया हमने। अपना एक शो बनाया था स्मोक करके, ये रॉस पे आया था, चला नहीं, मतलब देख नहीं। अभी डिस्कवरी का काफ़ी काम करते थे, बायजूस, क्लासमेट नहीं आता वो बच्चों का, वो तो ये कर रहे थे। अभी चल रहा है, अभी एक शो बना रहे हैं अब तो। लेकिन फैसल भाई, अब ये तो इसकी पंचायत के बाद तो अब कैसे एक्टिंग के ऑफर? हाँ, वो ज़्यादा, वो पहले से ही हो गया था, तो ज़्यादा है, मतलब दुनिया ही बदल चुकी है अब तो दोनों करूँगा देख कोशिश करके, तो होना करना तो पड़ेगा इतने साल। थोड़ा और एक्टिंग आप करो ताकि वो आपका जो चपरासी नहीं, जो चौकीदार है ना, वो आपको डांटना बंद कर दे। आपको पता है इनका चौकीदार इनको बहुत डांटता है, सोसाइटी का। बताइए लल्लन टॉप पे सब बात खुल के होगा। नहीं, वह थोड़ा सा डांट देता है तो काफी। ये इनके हाथ में पट्टा देख रहे हैं, बताइए महाराज। चौकीदार से होता रहता है वो, जो है डांटना क्या, वो उसके साथ। अब कहीं भी जाता हूँ चौकीदार से पहला मेरा इंटरेक्शन बुरा हल्का बुरा रहता ही है। तो कुछ दिन बाद वो जो है फादरी हो जाता है, कुछ किया करो यार तुम, जो है भूषण है इनके उसका। हाँ, तो डांट तो क्या, कुछ दिन बाद उनको लगता है कि गड़बड़ हो रहा है। राय नहीं कहते हैं वो, राय देते रहते हैं वो। चौकीदारों से मेरा अच्छा खासा वर्षों के तो ज़्यादातर दोस्ती आ रही है। चौकीदारों का गैंग मुझे बहुत बहुत सालों से मानता है। हाँ। मुझे सबसे पहले आप लोग अपने अपने कास्टिंग के बारे में बताइए कि कैसे हुई। हाँ जी, मैं गुल्लक कर ही रही। गुल्लक भी बता दीजिए दरअसल, क्योंकि मेरा मन तो तब भी इंटरव्यू करने का था। अच्छा, है ना। और आप बोले कि हम छोटे चैनल से, वेब चैनल से बात नहीं करते, हमसे मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया से बात करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं कहेगा। नहीं, अरे बोल रहे थे ऐसे, बोले हम छोटे मोटे चैनल से बात नहीं करते। जी, तो मैं उन दिनों तो सीरियल कर रही थी, और वो वाले सीरियल जिसमें सुबह 9 बजे जाते हैं, रात के शाम के 8 बजे आते हैं, रोज जाना पड़ता है। हैं? पर ऐसा है कि जो लोग रोज जाते हैं वो लोग बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनका परिवार उसी से चलता है और उनकी पहचान उसी से है। मतलब आप किसी गांव के किसी कोने में चले जाइए, जितना लोग सीरियल वालों को जानते हैं ना, उतना किसी को नहीं जानते। मेरे साथ के कुछ ऐसे दोस्त हैं जो एक्चुअली अब OTT शुरू हो गया है ना, वरना काम मिलना इतना आसान नहीं था। सिर्फ सब सीरियल की तरफ रुख करते थे, हर कोई फिल्म भी नहीं कर पाता था। मुझे इतना अच्छा लग रहा है इनको सुन के, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो काम भी करते हैं और क्रिप भी करते हैं, है ना। अरे यार नहीं, हाँ मैं इसीलिए, क्योंकि जब हम आते हैं ना और कोई बैकग्राउंड, मतलब आपके पास आपकी NSD की डिग्री है पर उसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो एक सीरियल में ना काम मिलना भी उस समय बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लोग वो सीरियल करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है सीरियल में आपका एपिसोडिक रोल होता है, वो बहुत दुखी होते हैं। जितना ज़्यादा दिन लगे सीरियल में उतना अच्छा लगता है, उतना आपका पर डे बढ़ता है। तो मेरे ऐसे कितने सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं हम सीरियल करने में ज़्यादा सुखी हैं बिकॉज मेरा परिवार उससे चलता है। मैं एक वेब सीरीज़ करूं, एक फिल्म करूं, वो एक डेढ़ महीने में ख़त्म होके सीरियल अगर चल गया तो एक साल, हाँ, 2 साल, तो उसकी बजाय वो सीरियल करना पसंद करते हैं। तो और मैंने भी यहाँ पर आकर 10 साल 8 साल सीरियल ही किया है मैंने, तो मैं तो उसको मतलब उसकी शुक्रगुजारी हूँ। और कहीं सीरियल में ही मेरा काम देख के मुझे कुछ फिल्में मिली, चाहे वो 1 चालीस की लास्ट लोकल थी या आपकी पहली फिल्म थी वो, हाँ नहीं पहली शायद मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, चंदन अरोरा जी की। और उसके बाद मुझे 1 चालीस की लास्ट लोकल मिली, फिर स्त्री मिली, और शायद स्त्री के बाद मुझे इन लोगों कास्टिंग बे ने जो है गुल्लक के लिए अप्रोच किया। कास्टिंग बे टीवीएफ के लिए कास्टिंग करती है, मतलब कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री कौन सा रोल करेंगे वो सुझाते हैं, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर लॉक करते हैं जी। तो उन लोगों ने मुझे बुलाया था और गुल्लक के लिए तो इन लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया। ऑडिशन लेने के बाद भी शायद ये लोग श्योर नहीं थे क्योंकि मैं ऐसे पॉपुलर नहीं थी, मैं कर रही थी, मेरा काम सही चल रहा था, लेकिन आई वॉज नॉट अ पॉपुलर आर्टिस्ट। जब तक मैं सीरियल कर रही थी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कोई सुनीता बोले तो लोग जाने। तो फिर इन लोगों ने मेरे 2-3 बार ऑडिशन लिए एंड देन दे कास्टेड मी फॉर बिट्टू की मम्मी। और अभी जैसे देखते हैं ना, मैं गुल्लक का बहुत स्वघोषित फैन हूँ, तो लगता है कि मतलब और कोई हो ही नहीं सकता था। अरे मतलब एंट्री इतना एनोइंग पर इतना वो जरूरी है, मतलब दे होगा ही फिर से एकदम हमको दिख रहा है, इसको क्यों नहीं दिख रहा है कि सब इससे इरिटेट हो रहे हैं। और फिर आपको अपने मोहल्ले की सारी बिट्टू की मम्मियां याद आ जाती है एंड दैट स्माइल एंड आईज। मैं घंटों बात कर सकता हूँ इस चीज पे। तो बस फिर वो मिल गया और वो किया। तो पहला जब सीजन बना था तो गुल्लक का मेरे ख्याल से किसी को भी ऐसा नहीं लगा था ये ऑडियंस को इतना पसंद आएगा, बिकॉज उस समय ना बहुत अलग तरह का OTT शुरू हो गया था। दिस वॉज द फर्स्ट वन विच वॉज सो सिंपल। तो इसको हमारे रिलीज होने में ऑलमोस्ट 1-1.5 साल लग गया, अटका रहा। तो उसके बाद पहला जब लोगों को पसंद आया फिर दूसरा बना, और दूसरे से तो फिर धमाल ही होते गया। इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश रहती थी, इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश रहती है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये नहीं करना है। लेकिन दुर्गेश जी जो लिखते हैं वो काफ़ी मीटर में लिखते हैं, बिकॉज आई थिंक ही इज़ फ्रॉम एड फिल्म्स ऑल्सो, एंड उन लोगों को अखबार और फिर एड फिल्म, हाँ तो क्या होता है हमारी बिरादरी का लड़का है, राइट, पूर्व पत्रकार, वो लोग एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं, बहुत एक उनका ना एक मीटर होता है और कट टू कट होता है, और 4 शब्दों में 15 शब्दों की बात वाली जो होता है, तो वो जो है वो तो हमको फॉलो करना पड़ता है, दैट मीटर वी हैव टू फॉलो। बट यस अदरवाइज वी आर गिवन इनफ स्पेस आराम से, और अच्छी रिहर्सल होती है। रिहर्सल में बहुत डिस्कशन होता है कि नहीं ये वर्क करेगा नहीं करेगा, आप क्या सोचते हो, आप कैसा, तो इस तरीके से मज़ा बहुत आता है। अच्छा बताइए, जैसे अभी अनुराग सर का जिक्र कर रहे थे, अनुराग कश्यप का, तो उनका तो ये होता है कई बार एक्टर को पता नहीं होता कैमरा कहाँ है, हाँ, है ना। गुल्लक में आपको पता था क्योंकि जो कई क्लोजअप शॉट है ना जो बिना डायलॉग के सब कुछ कहते हैं, व्हेन यू स्माइल, मतलब स्माइल का जो काउंटर देती हैं आप, तो आपको पता होता है कि कैमरा में क्लोजअप शॉट ले रहे हैं। हाँ, हमारा उसमें तो फिक्स ही होता है, प्रॉपर हम 5-6 रिहर्सल करते हैं, उसके बाद कैमरामैन कैमरा लगाता है और हमें पता होता है कि अच्छा ये यहाँ कौन खड़ा होगा, हम कहाँ से एंट्री लेंगे, कहाँ एग्जिट लेंगे, कहाँ पे हम, वो तो पता होता है। तो ये तो NSD की ट्रेनिंग, फिर फिल्में, सीरियल, और ये प्रोडक्शन में थे तो इनको रिंग साइड व्यू था। आपके लिए शुरुआती कदम कैसे रहे? मैंने उससे कॉस्ट्यूमेरी से शुरू किया था। तो जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैंने 2 एडवर्टीजमेंट में कॉस्ट्यूमेरी का काम किया। कॉस्ट्यूम एडी, हाँ, क्या काम होता है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू माय व्यूअर्स? कॉस्ट्यूम एडी में मतलब जो एक्टर्स होते हैं उनकी कौन सी कॉस्ट्यूम रहेगी, मतलब आप डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करते हैं। मान लो ये सुनीता जी मोटरसाइकिल का ऐड कर रही हैं, हाँ, तो वो पहले कलर पैलेट रहेगा, कलर पैलेट के ऊपर डिस्कशन होएगा कि डायरेक्टर वो किस टाइप का कलर पैलेट चाह रहे हैं, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के क्लोथ्स जो रहते हैं कि इसके साथ ये दुपट्टा क्यों रहेगा, या किस वो जो किरदार है वो किरदार कैसा पहनेगा कि उसकी वो ऑथेंटिक फील आए, तो वो एक कॉस्ट्यूमेडी का काम होता है। तो वो मैंने 2 एडवर्टीजमेंट में किया था। तो आपकी कुछ इस तरह की ट्रेनिंग थी, मतलब वाई कॉस्ट्यूमेडी? नहीं, मेरी ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन मैंने कॉस्ट्यूम में भी, उसमें भी लेवल्स होते हैं, तो मैंने वो कॉस्ट्यूम एडी में वो असिस्ट किया था, वो मैम को जो थी उनको मैंने असिस्ट किया था। तो वो सारी चीज़ें कि मतलब फ़ोटो खींचना, फ़ोटो खींच के डायरेक्टर को भेजना, फिर वो वहाँ से अप्रूवल लेना, तो ये सारा काम रहता था। तो उस टाइम पे हाँ मैंने जब असिस्ट किया, तो जब मैं प्रोसेस देखती थी जब शूटिंग होती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था वो एक्टर्स को देख कर। एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। मुझे कभी नहीं था कि मैं एक्टर बन सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो एक पर्सनैलिटी है वो बहुत डिफरेंट है जो एक एक्टर की होनी चाहिए। यूजली जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं या नो मतलब नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा ये कहने का मतलब वो काफ़ी इंटरैक्टिव होते हैं। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं, जो कम बोलते हैं, उनके लिए एक्टर बन पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग से वो काम बनते हैं। तो मुझे नहीं लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो फिर भी ट्राई करके देखते हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं? मैं बहुत हूँ मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब हम इंट्रोवर्ट के मुंह से कहलवाते हैं कि वो इंट्रोवर्ट नहीं, मैं तो ओपनली एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट होना हो, आप ईमानदार हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। और इंट्रोवर्ट होना बुरी बात नहीं होती है, सबका अलग अलग नेचर होता है। सच में मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हूँ। नहीं, एम्बीवर्ट में क्या होता है? मतलब इंट्रोवर्ट भी रहते हो और आप एक्सट्रोवर्ट भी रहते हो। नहीं, दुनिया को लगता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, बहुत बोलता है, चपल चंचल वाचाल जो भी, पर हमको पता है कि हम अपने एकांत में कितने अकेले हैं। तो उसको एम्बीवर्ट बोलेंगे या एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट? हम एम्बीवर्ट हैं। और ये सच नहीं है ना, आप कहाँ होंगे एकांत में अकेले? नहीं, ये मेरा सत्य है। मैं पहली बार कैमरे बोल रहा हूँ। हम आप है क्या फैसल भाई कि विल कम टू योर, है ना, मतलब क्योंकि आइडिया ये रहता है कि बहुत फ्लो में बातचीत हो, वो बहुत वैसा लगे। अच्छा, एक सवाल दूसरा तीसरा गप कर रहे हैं बैठ के हम लोग। किरदार कहते हैं क्योंकि बातचीत कम्युनिकेशन के बिजनेस में है और सामने वालों की जिंदगी में सरलता से दिलचस्पी लेके दाखिल होना है, उनकी निजता का भी सम्मान करते हुए। We want to know about your craft and about your life. तो खूब आपको बातचीत करनी होती है। इलेक्शन रिपोर्टिंग में भी होता है कि आपको ना सबके साथ घुल मिल जाना है। जब आप कॉमनर से बात कर रहे हैं, जब आप किसी उससे बात कर रहे हैं, और इसमें होता क्या है कि जब मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं कई लोगों के साथ और आप चुप हैं, तो आपकी चुप्पी लोगों को असहज करने लगती है। यार ये आदमी इतना बोलता है। फ़र्ज़ करिए जैसे मेरे जहन में है कि सुनीता मैम ऐसी हैं, एकदम जॉली चौली, एकदम से सीरियस बैठी रहें, तो आपको लगे यार समथिंग इज़ रॉन्ग, क्या गड़बड़ है। तो उस चक्कर में, जबकि हर आदमी अपने हिस्से की चुप्पी चाहता है, बिल्कुल, है ना, इंटरव्यू के पहले बाद में नहीं, हम लोग पहले जो दोस्त यारों में क्या था कि जैसे कोई चुप हो जाए तो सब उसको फोन पी लेते कि कैसे क्या हो गया। सीधे जैसे आपने जैसे पूछा कि क्या हो गया आपको, हाँ, तो उसमें था कि कोई, क्योंकि बहुत वैसा भी था, कुछ लोग बोलते भाई बहुत चुप रहता है, कुछ करना लेट है हॉस्टल में। तो अभी क्या है कि उस टाइम पे हम लोगों ने रूल निकाला है कि अगर चुप रहेगा पीटेंगे इसे, पहले बता क्या हो रहा है। तो अगर वो चुप भी रहना चाहे अकेले पढ़ने के लिए तो पीट रहा है वो, क्यों नहीं हो सकता भाई? चुप क्यों हो गए तुम, अकेले क्यों जाके चाय पियोगे? एक आदमी अगर कोई कोने में जाके चाय पी रहा, पढ़ के चाय पी रहा होगा, दो आदमी आगे देखे अकेले चाय पी रहा था। 2 दिन उससे पूछा क्या हुआ, चाय का मेरा मन था, ऐसा ही मन था साले, मतलब उसमें जो झगड़ा, ये इनके भीतर का जो इलाहाबाद फूट गया आ रहा है। ये हमको क्यों नहीं लेके गए, ट्रिपलिंग चलते हम भी चाय पियेंगे, 10 बार चाय पियेंगे। तो अब आपस में फैल गए। आजकल अकेला रहे, लगता कोई दुख है उसे, बेचारा कोई दुख नहीं होता था, वो पढ़ के सोचना चाह रहा होगा, पर 3 आदमी सर मुंह डाले बैठे हुए हैं। तो पहले बोलता है मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, ये क्या होता है? जैसे कुछ लोग बोलते आई नीड स्पेस, मुझे इस वर्ड नहीं समझ में आता है, तो स्पेस क्या होता है? चलो जाओ रहो, थोड़ा सा आगे कर लो। भाई बोल देती है आई नीड सम स्पेस, माई टाइम। मैंने कहा माई टाइम दो, दूसरे के मतलब हम लोग तो यहीं रहेंगे ना। ये अजीब सा वर्ड है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। सब जगह आदमी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या है, हंसता मुस्कुराता रहे, चलता रहता है सब वैसा। बताइए पूजा जी। मैं इनको भी बोलता हूँ। हाँ सर, मेरे को बहुत समझाते रहते हैं उस चीज़ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो नेचर रहता है सबका। हाँ, बचपन से आप करती है, लौकी कटहल नहीं हो सकती। हाँ, ये एक तो लौकी का रेफरेंस आते ही पंचायत ने अमर कर दिया लौकी को। दुनिया के सारे लौकी उत्पादकों को आप लोगों को एक लौकी लिखना चाहिए जी। तो आप इंट्रोवर्ट हैं, कम बात करना पसंद करती हैं, ज़्यादा नेटवर्किंग में जो जिस किस्म की दक्षता चाहिए, चपलता वो नहीं है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, तो मैं ऐसी ऑडिशन देने। तो आप मुंबई क्या सोच के आई थी फिर? मुझे 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी थी, ये मेरा गोल था कि मैं नहीं कर सकती। मतलब इंजीनियरिंग ख़त्म होते होते इतनी ज़्यादा स्टडीज़ हो गई थी कि मेरे को लगा कि अब मैं MBA के लिए फिर से पढ़ाई नहीं कर सकती। हाँ, तो मैंने ये सोचा, मैंने जबलपुर से किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिसमें ट्रैवलिंग हो, और मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ चीज़ों से, तो कुछ ट्रैवलिंग वाला जॉब हो, तो जिसमें बिहाइंड द सीन आपको जैसे वो ट्रैवल वाले शोज़ होते हैं तो उस टाइप का कुछ हो। तो उसी वक्त मेरी फ्रेंड जो थी वो इंडस्ट्री में काम कर रही थी, उसने बोला कि तू यहाँ पे आके क्यों ट्राई कर लेती, यहाँ पे और सारे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टिंग होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो बोली कि तू आके यहाँ पे ट्राई कर। तो उस वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि उसने बोला तू आके ट्राई कर। तो फिर मैंने AD किया, फिर एक्टिंग के ऑडिशंस मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देना शुरू किया। और कोई वर्कशॉप वगैरह की उसके पहले नहीं की थी, लेकिन 10 दिन के अंदर मेरा एक एडवर्टीजमेंट क्रैक हो गया था। हाँ, और उसमें भी हमने कम से कम 300-400 लोगों ने ऑडिशन दिया होगा। और जब मेरा वो क्रैक हुआ, वो भले बहुत मोन्टाज था, मोन्टाज में ऐसे ब्लिंक एंड मिस रहते हैं, तो वो एक नाम मत बताना, उसके पैसे नहीं दिए उन्होंने दोबारा बताने के। नहीं, तो हाँ, तो मोन्टाज में मोन्टाज मतलब जो ऐसे जल्दी जल्दी एक्टर आके चले जाते हैं। हाँ, तो उसमें मुझे बड़ी खुशी हो गई कि यार इतने सारे लोगों ने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई। तो मैं तो उसी में शौक थी, यार मैं कैसे सिलेक्ट हो गई। तो वहाँ से फिर मैंने और ऑडिशंस देने शुरू किए और वो क्रैक होते गए। फिर उसके बाद मैंने ऑब्वियसली वर्कशॉप्स किए, मैंने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स किए और धीरे धीरे मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश। लग बाई चांस वगैरह हम दिखाते हैं उस तरह की, वो क्या किशोर नमित कपूर हैं कोई यहाँ पे हैं अभी, मतलब है, मतलब उनकी वर्कशॉप होती, तो उस तरह की वर्कशॉप। हाँ, आप भी चलाते हैं वर्कशॉप? नहीं, मतलब मैंने किशोर नमित से नहीं किया है, लेकिन बाकी वर्कशॉप्स। हाँ, नहीं मैं तो देखिए हम एक दूसरी दुनिया से आते हैं, है ना, और हम इन सौरभ, ये सर हैं, ये मैडम हैं। सर मेरे लिए आप सर? अरे नहीं, ऐसा जुल्म मत करिए, हम भी आपको मैम बोलेंगे प्लीज। आई विल बी मोर कंफर्टेबल इफ यू कॉल मी बाय माय नेम। ये अभी मैं अर्णव को बोल भी रहा था, इसने भयानक सर मैडम कल्चर चला रखा है यहाँ पे। तो कई सवाल ना जो हम लोगों के लिए एकदम दैनंदिन जीवन का हो जाते हैं, जैसे आपने मोन्टाज कहा, आपने लाइन प्रोड्यूसर कहा, लेकिन हम जो लोग हैं, है ना, हमको वो नहीं, हम तो इसीलिए मैं तो पूछ लेता हूँ पूरी डिटाई से कि भाई इसका मतलब क्या है। तो आपको वो इश्तिहार मिल गया, आपने फिर एक्टिंग की वर्कशॉप कर ली, फिर क्या होता है ऐसे जैसे वो फिल्म दिखाते हैं जा जाके अपना एल्बम देना होता है क्या? आजकल वो एल्बम नहीं देना पड़ता, नहीं, सारी चीजें व्हाट्सएप पे हो जाती है या है, तो आप मेल कर सकते हो। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के मेल आईडीज रहते हैं, तो आप अपना आपका जो भी पोर्टफोलियो है, आपकी पिक्चर्स, आपका इंट्रोडक्शन, आप उनको मेल कर सकते हो। और अगर आप फिट बैठते हो, पहला तो मतलब लुक जाता है, तो अगर आप किसी कैरेक्टर के लिए लुक वाइज फिट होते हो तो फिर वो आपको बुलाते हैं और फिर आपका वो ऑडिशन। इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं? मेरा नाम सुनीता, मतलब कैसे अगर आपका इंट्रोडक्शन होना होगा, फर्ज करिए आपको एक बिल्कुल फ्रेश भेजना है, तो फोटो खींच गई खूब सारी, अब आपको भेजना, तो सीरियस चेहरा बनाएंगे कि मुसरत कैसे करेंगे? मैं ऐसे ही, हाय आई एम सुनीता चंद राजवार, आई एम फ्रॉम NSD, आई स्टैंड 51 एंड माय नंबर इज 982109। नंबर नहीं बताना, देखा रटा रटाया ऐसा बोल दिया। नहीं तो आपने नाम बताया और दूसरा वजन है NSD बता दो अभी, मतलब मैंने पूरा बोला नहीं, उसमें फिर डिपेंड करता है, कभी कभी लोग बोलते हैं सिर्फ नाम, हाइट, एज और टेलीफोन नंबर दे दो। एज भी? हाँ, एट टाइम्स। और कभी कभी होता है वो बोलते हैं मैम आपने क्या क्या काम किया है वो भी बता दो, तो उसमें लिखना बोलना पड़ता है आई हैव डन फ्यू सीरियल्स, आई डू OTT, आई हैव डन फिल्म्स, आई एम फ्रॉम NSD, ऐसा ऐसा। आप कौन कौन सी भाषा बोल सकते हो? कौन कौन सी भाषा बोल? मैं तो भाई हिंदी, इंग्लिश और पहाड़ी, थोड़ा बहुत हिंदी, इंग्लिश और पहाड़ी, उर्दू भी बोल सकती हूँ थोड़ा बहुत। और फिर ऐसे भी कर दिया, अच्छा हंस वो जैसे वो नवरस जैसे नहीं होते कि अलग अलग, ऐसा नहीं, एकदम नॉर्मल सी। एक्चुअली उनको इंट्रोडक्शन में ही हमारी पर्सनैलिटी दिख जाती है, कास्टिंग वालों को। हाँ, तो आसान भी लगता है। आपने ऐसा कोई टेप बनाया है? मेरा तो नहीं हुआ, मैं बचा लिया दीपक लोगों ने कि सीधा एक्टिंग किया, वो टेप नहीं बना मेरा। नहीं, आपको बनाना पड़ा? हाँ हाँ अभी भी मैं अभी भी कभी कभी देती हूँ। जैसे अभी कभी कोई कमर्शियल होता है विज्ञापन, तो जैसे उसमें होता है मैम अपना ऑडिशन भेज दीजिए, अरे अभी तो मैं बिजी हूँ नहीं दे सकती हूँ, मैम खाली एक इंट्रोडक्शन भेज दीजिए। फिर बिकॉज जो प्रोडक्ट होता है, जो उसके क्लाइंट होते हैं उनको भी वो देखना होता है, जो कास्टिंग वाला डायरेक्टर होता है उसको भी वो देखना होता है। कभी कभी शायद जैसे होता है, जैसे इसने बोला लुक तो होता है ना, एक सबकी पर्सनैलिटी होती है, तो वो उन्हें इंट्रोडक्शन से समझ में आ जाता है कि ये पर्सनैलिटी इस कैरेक्टर में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, तो वो उस हिसाब से फिर आपको बुलाते हैं। नहीं तो जैसे अच्छा इसमें कई लोग ना हम लोगों को बताते हैं हमारा राइट प्रोफाइल अच्छा है, हमारा लेफ्ट, हाँ। वो कैसे पता चलता है? फोटो खिंचवाते आपका कौन सा प्रोफाइल अच्छा है? मेरे दोनों प्रोफाइल बहुत अच्छे। ये देखो, हाँ हम लोग ये देखो एकदम कास्टिंग वाले की तरफ देख के, हाँ दोनों ठीक है। हम लोग में तो कुछ नहीं जा रहा प्रोफाइल, ये ऐसा आदमी चाहिए प्रोफाइल, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं ऐसे, एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स, ऐसे मुस्कुरा के फिर ऐसे करके ऐसे क्यों करते हैं? आप तो इतने समय से एक्टिंग कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन में, ये क्यों, मतलब क्या होता है मेरा राइट प्रोफाइल लेना लेफ्ट? नहीं मैं हम नहीं कहते हैं, वो उनको चाहिए होता है, उनका ब्रीफ होता है। बिकॉज क्या है कि शायद अभी वो प्रोडक्ट के साथ आप शूट कर रहे हैं, एक में यहाँ पर आपका ये वाला प्रोफाइल आएगा, एक में आपका राइट प्रोफाइल आएगा, तो अभी आप कोई भी प्रोडक्ट आप जब देंगे ना तो उसको उसके बेस्ट फॉर्म में ही प्रेजेंट करेंगे, मार्केट में जब आएगा तो वो क्या है भाई कि तो वो उनके बहुत सारे अपने फंड क्लाइंट टाइम की चीज होती है ना, जो क्लाइंट जो होता है जिसका सामान बिक रहा है उसके लिए बनता है पीपीटी, एक जो टाई पहन के कई साल कई हजार किलोमीटर या कई सौ किलोमीटर दूर नोएडा वोएडा में बैठ के कहेगा ये प्रोडक्ट ये आदमी कैसे, वो बहुत ही प्रोफाइल वाली बात मुझे नहीं समझ में आती। मैंने एड वेड भी पहले करता था कि भाई तुम सिनेमा जानते नहीं कुछ जानते, तो वहाँ से फोटो मिला तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट है। पर जो पीपीटी जब बनती है पीपीएम की, तो देखता है ऐसे करके जैसे इसके बाद इसको प्रधानमंत्री बनाने भेजने वाले हैं, दिस वन नो आई डोंट लाइक इट। जो इतना अजीब सा एक वो है डिस्टेंस है कि दिखता है कि ये किसी काम की चीज़ नहीं। बहुत सारे लोगों को सैलरी जस्टिफाई बिल्कुल हाँ, एक कमरे में 12 लोग बैठे हैं और वो म्यूजिक सुन के एरो बना देते हैं, फिर कहते हैं हम मैं देखता ये क्या कहते म्यूजिक चढ़ा उतर गया, मैंने कहा ये तो म्यूजिक होता है सर, मैं तो ऐसी जगह गया हूँ, मैंने कहा अच्छा ऐसे हो गया, हाँ नहीं म्यूजिक चढ़ा था फिर ड्रॉप हो गया, मैंने कहा एंड हो गया ना म्यूजिक, हाँ हाँ वही दैट्स थिंग और थोड़ा चाहिए होगा। तो ये अगर आप इस दुनिया में जाके देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे प्रोफाइल मंगाना या म्यूजिक सुनने का ब्रीफ देना, तो वो मतलब आपका दिमाग अजीब सा हो जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा होता है सच्चाई। हाइट भी पूछी जाती है, हाइट पूछी जाती है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टर से एक्टर काम पूछ लीजिए, वो भेज देगा अपना लिंक, ये देखो ये क्या हुआ है। और ऐसे जरूरी कोई 25 साल का 15 साल का भी दिखता है, कोई 35 साल का होता है, वो 50 साल का भी दिखता है। पर तो एक कॉर्पोरेट का ब्रीफ है सर, ये एक आता है ईमेल हो गया हमें ये चाहिए, नेम एज हाइट फोन नंबर प्रोफाइल, तो ऐसे आपने बनाया? हाँ हर बार बनाती थी, तो जितने बार आप स्टूडियोज जाते हो तो स्टूडियोज में तो बोलना ही पड़ता है, और अगर आप घर से भेज रहे हो तो घर से आपको हर बार बना के भेजना पड़ता है जो भी आउटफिट में आप रहते। अच्छा एक चीज बताइए सानविका, एक यंग लड़की आपके जैसी, उसके ऊपर ये अतिरिक्त दबाव होता है क्या कि उसको कैसा दिखना है, बॉडी टाइप, डांस, डिक्शन, ये सब चीजें? थोड़ा सा तो रहता है ये, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली हमें जो एक हम हमेशा जो देखते आ रहे हैं, चाहे हम वो बॉलीवुड की एक लाइक हीरोइन देख लें या एक जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, तो वो रहता है कि मतलब ऐसे एक सर्टेन वे में आपको होना चाहिए कि सुंदर हो या गोरी हो या बाल, जब आप इंडस्ट्री में ऐसे बहुत आपके अपीयरेंस पे बहुत लोग जाते हैं, तो अगर आप स्टेप आउट भी कर रहे हो, घर से बाहर भी निकल रहे हो, तो आपके बाल कर्ल्स होने चाहिए और कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेकअप होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों पे बहुत रहता है फोकस, बहुत रहता है। तो जो लोग नए रहते हैं, जब से जैसे मैं नई आई थी तो मुझे ये सारी चीज़ों का कोई आइडिया ही नहीं था, मैं विदाउट मेकअप जाती थी ऑडिशन के लिए, तो मेरे को एक बार कास्टिंग डायरेक्टर ने टोक दिया था कि अगर तूने मेकअप करना नहीं सीखा तो 3 महीने बाद भी तू मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नजर आएगी। तो फिर मैंने धीरे धीरे वो मेकअप करना कैसे करते हैं या कैसे कौन से अटायर में जाते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है, तो वो प्रेशर तो रहता है, थोड़ा प्रेशर तो रहता है। आप जब आई थी उस बरस कौन सा था? 1900 मैं दिसंबर 1999 में आई थी। अच्छा आपने 1-2 साल रिपोर्टरी किया एनएसडी से निकल के, फिर यहाँ आई। जब आप आई थी इन्होंने बता दी बिगनिंग, आपके समय में कैसा था? हमारे समय में भी यही था, और इनफैक्ट हमारे समय में तो और ज़्यादा था, बिकॉज उस समय सब कुछ सिर्फ कमर्शियलाइज्ड था। अभी तो जैसे OTT है और इवन सीरियल में, हाँ अभी कंटेंट भी बहुत, अब इवन आप सीरियल भी देखेंगे तो बहुत मतलब रियल लुक वाले सीरियल भी बन रहे हैं। हमारे टाइम में तो सिर्फ साया, बनेगी अपनी बात, मतलब यू नो वो बड़े बड़े शोज होते थे, तो समझ में नहीं आता था। फोटो खींचने के बाद ये भी मतलब इवन जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे ना, कुछ कुछ लोग ऐसे थे कि उसके पास आप अपना फोटो भी नहीं ले जा सकते हो, बिकॉज आपके पास प्रोफेशनल फोटो भी नहीं है खींचा हुआ। अभी तो हम फोन से ऐसा एक फोटो दोस्त को दिया, पकड़ फोटो खींची और भेज दिया, तब तो वो वाला टाइम भी नहीं था, वो बहुत कठिन टाइम था। तो उसमें जो मतलब ट्रेनिंग करके आने के बाद भी बिकॉज उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मतलब जो आप बोल रहे थे ना कि अरे मैं NSD की हूँ और ये तो नए हैं, वो बिल्कुल नहीं था, कम से कम मेरे लिए बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से आके और नाटक करने के बाद यहाँ आई, तो मैं जब लोगों को ऑडिशन में देखती थी तो मुझे लगता था ये सब तो बहुत कमाल है, मैं इनके संग कहाँ बैठी हूँ, यही लगता था। और सच बात बताऊं तो मैंने गुल्लक से पहले जो 8-10 साल टीवी में काम किया, लोगों ने मुझे नौकर के अलावा कोई और रोल भी नहीं दिया। मैं मतलब मुझे ऐसा लगने फेस कट या टाइपकास्ट क्या क्या मतलब मेरा फेस कट, मेरी पर्सनालिटी, और मैं तब बहुत पतली दुबली भी थी, और शायद वो जो हमारा अंदर का मतलब वो कॉन्शियसनेस रहती है वो दिख जाती होगी चेहरे पर। तो मुझे ये आपके अंदर की कॉन्शियसनेस है या उनके दिमाग का बायस्ड है कि मिला जुला, ये मतलब आप एक बहुत बड़ी कंपनी की CEO भी तो हो सकती है, तो हो सकती हो, ये उनका ही है। अनेक की टीम से बात कर रहा था, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि एक नागालैंड का कोहिमा में पला बड़ा लड़का जो बाद में मुंबई सेटल हो गया, वो बांद्रा पुलिस स्टेशन का SHO हो? हम क्यों नहीं प्लेस कर पा रहे हैं वैसे? मतलब अब यहाँ के लोगों के, क्योंकि सब कुछ इतना कमर्शियलाइज था ना, और मेरे ख्याल से उस समय ऑडियंस भी, जब हीरोइन आप बोलो तो वो एक खूबसूरत लड़की ही देखना चाहते थे, उनको एक नॉर्मल लड़की हीरोइन के रूप में कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता था उस समय। तो मुझे मतलब मेरे जितने डायरेक्टर्स थे सब बहुत तारीफ करते थे काम पर, रोल नौकरानी टाइप रोल मुझे उन लोगों ने अपने 3-3 शो में सिर्फ और सिर्फ नौकरानी कर दिया। मैं इतना थक गई थी, त्रास हो गई थी कि मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी। मैंने 2011 से लेके 15 तक एक्टिंग छोड़ दी थी। मैंने अपना सिंटा कार्ड कैंसिल कर दिया था क्योंकि मुझे लगा मेरा गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। कोई उसे का नाम है सबसे ज्यादा पुलिस ही बनते रहे वो और जगदीश राज। हाँ। तो वो मतलब कोई आपको मौका भी नहीं देता था, मतलब मैं कोई गरीब माँ भी नहीं बनाते थे। हाँ, तो मुझे लगा भाड़ में गया, मैं कुछ और काम करती हूँ, जरूरी थोड़ी है। तो मैंने अपना सिंटा कार्ड कैंसिल करा दिया। सिंटा क्या होता है? सिंटा एक एसोसिएशन है एक्टर्स की, आर्टिस्ट की। तो अभी तो ऑलमोस्ट कंपलसरी है, आप थोड़ा काम करने के बाद आपको वो कार्ड बनाना होता है, आपको एक सर्टन अमाउंट की फीस देनी होती है। और अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ किसी प्रोड्यूसर के संग या किसी डायरेक्टर संग किसी के साथ भी हमारा कुछ मतभेद हुआ तो वो लोग आके सेटल। मजदूर एकता जिंदाबाद, एक्टर्स के वास्ते। यस यस, ऐसी आती नौबत जी बहुतों के साथ बहुत कुछ होता है। ये दीपक या अरुणाब पेमेंट रोक लें तो एकदम बाहर सिंटा के लोग खड़े हैं, दीपक यहीं बैठे हुए हैं, सोच रहे होंगे सारे उदाहरण यहीं से क्यों उठा रहा है। तो उस वजह से मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी। और मैंने कुछ 5 से 6 साल मैंने असिस्ट किया है चंदन अरोरा को, जिनके संग मैंने पहली फिल्म करी थी। हाँ, उनको मैंने 5 साल असिस्ट किया है। मैंने कास्टिंग भी करी है, ऑडिशंस लिए हैं। आपकी दिलचस्पी है डायरेक्शन में? मैं असिस्ट अच्छा कर सकती हूँ, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा जजमेंटल हूँ, तो मैं नहीं डिसाइड कर पाती हूँ। यार आप कितने ईमानदार हो, ऐसे कौन बोलता है अपने बारे में कि मैं जजमेंटल हूँ? नहीं, मैं सच में मैं मतलब कुछ लिखूँ भी तो मुझे लगता है कैसा लिखा है। तो मेरे को मतलब चंदन अरोरा ने ये बोला था जब मैं उन्हें असिस्ट कर रही थी कि तू एक दिन फिल्म बनाएगी, और मुझे लगा ये ऐसा क्यों कह रहे, मैं तो पता नहीं मुझ में नहीं है कोई ये कॉन्फिडेंस कि मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं बहुत मतलब। अच्छा सुनीता जी, देखिए हम खूब बातें कर सकते हैं बिट्टू की मम्मी, क्रांति देवी, और करेंगे भी, पर मैं आपकी बाहाँ पकड़ के आपको आपकी ज़िंदगी के 2 गह्वरों में उतारना चाहता हूँ। आपने कहा कि आप अंडर कॉन्फिडेंट, आप नहीं कर पाती हैं वो, एनएसडी है, जोड़े बन गए हैं, अभी इंटरव्यू है फाइनल, द एनएसडी, हर राज्य से एक व्यक्ति, बड़े बड़े पोर्टफोलियो, मैंने इप्सन का ये नाटक किया है, मैंने वो नाटक किया है, क्लासिक में मैंने कालिदास का ये किया है। सुनीता के पोर्टफोलियो में क्या था और सुनीता कितनी कांप रही थी, कितनी कॉन्फिडेंट थी, क्या था, बोर्ड में कौन कौन बैठा था, कौन साहित्यकार थे, कौन नाटककार थे, बताइए। अच्छा, तो मैं जो है नैनीताल गई थी पढ़ने के लिए और वहाँ मैंने कॉलेज में डांस किया था, तो लेट निर्मल पांडे जी अपना फेलोशिप प्ले कर रहे थे अजवाबा फॉल एनएसडी के लिए, तो उन्होंने ग्रुप के लड़कों को, युग मंच के लोगों को बोला था कि मेरे प्ले के लिए मुझे 2-3 फीमेल कैरेक्टर्स चाहिए, तो आप बता। उसमें वो भी थे क्या, वो जो जिन लाहौरनी व्याख्या में माई बनते हैं? जहूरदा तो स्तंभ है योग मंच का, उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, वो अभी भी लगा रहे हैं। वो बहुत कपड़े की दुकान पर बैठते हैं, जीरो उत्साह होता है उनका कपड़े का थान दिखाते हुए और 100 उनका उत्साह होता है एक नाटक का वो दिखाते हुए। कोई मतलब मेरा नंबर 15वां था जब मैं एनएसडी आई थी नैनीताल से, मेरे बाद लगातार लोग आ रहे हैं और वहाँ पर नाटक यंगस्टर्स कम करते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो डाकियाँ हैं, जो कोची है, जो पियून है, जो राइटर्स हैं, जो बहुत बड़े कुमाऊं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, वो सब मिलकर नाटक। कन्विक्शन दिखता है। शाम को 6 बजे से होता है। तो हम लोगों को जब बोला तो हम लोग केपी हॉस्टल में थे और हमारे लिए, मैं, दीपा पाठक, सीमा बोरा, नंदिता भंडारी, हम 4 लड़कियां थी और हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था कि हम नाटक करें, हम करना चाहते थे। तो हम लोग कभी अपनी ये जो हमारी वार्डन थी उनको रिक्वेस्ट करते थे, फिर कभी ज़रूरदा लोग हमें किसी के घर में रुकवा देते थे, कभी हमें एक रूम लेके रहते थे, ऐसे हमने नाटक करना शुरू किया। तो उसमें भी मुझे नौकरानी का रोल मिला था, लेकिन मैं बहुत छोटी और ऐसे बच्ची सी दिखती थी। वानिया जोशी जो उस समय काफ़ी अपना नेशनल टीवी पे सीरियल करती थी, मेला आंचल, और काफ़ी उन्होंने अच्छे अच्छे शो किए हैं, तो वो मेन रोल कर रही थी और मेरी जो बाकी दोस्त हैं वो सारी कोई रानी, कोई कुछ राजकुमारी बनी थी। मेरा छोटा सा एक रोल था नौकरानी का और मैं इतना, मुझे शौक था और मुझे इतना मज़ा आता था ना कि मुझे पूरा प्ले याद हो गया था, हर एक्टर की एंट्री, एग्जिट, उसके डायलॉग, उसके सारे एक्शन, मुझे सब याद था। तो जो नहीं आता था ना उसकी प्रॉक्सी में देती थी और वहीं से सिलसिला बना एनएसडी, वहीं से सिलसिला बना। तो उन्हीं लोगों ने मुझे बोला, जहूरदा और निर्मल दा ने, कि तुमको एनएसडी करना चाहिए। मुझे तब पता चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कोई चीज़ है। ये बार बार निर्मल पांडे का जिक्र हो रहा है, कभी कोई साहस और तसल्ली और सत्यता के साथ अगर द लेजेंड ऑफ निर्मल के बारे में लिखे, जिस नैनीताल की हवा में अब भी उनके किस्से, उनकी जीवंतता, उनकी स्पॉन्टेनिटी, उनकी मुफलिसी और दोस्तों के शब्दों में कहें तो उनकी तमाम त्वरित मूर्खताओं के किस्से, तो अपने आप में एक वो है ना, नायक ऐसे ही होते हैं। देखिए, और मैं तो देखिए, ये बहुत ही कलावंत लोग हैं, है ना, हम तो सुनने चले आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी को एक्टिंग का ककहरा सीखना हो तो बैंडिट क्वीन का एक दृश्य है जिसमें निर्मल और सीमा, एक म्यूज़िक चल रहा है, फोक म्यूज़िक, और निर्मल कंधे उचका के बैठे बैठे डांस कर रहे हैं, दैट सीन। खैर, तो आप एनएसडी के मुहाने पहुंच गए। फिर मैं वहां पहुंच गई और यकीन से भरी हुई सुनीता थी या कुछ घबराई, संशय से ग्रस्त सुनीता? संचित तो थी, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से थी और मैं बचपन से बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। उसके कारण ये है कि मैं पढ़ाई में बहुत मीडियोकर थी, मैं सिर्फ पास हो जाती थी, कोई रैंक वैंक नहीं आता था मेरा। और मेरी बहन बहुत होशियार थी, मेरी बहन बहुत खूबसूरत और मैं एकदम डप। ये किसने कहा कि आप खूबसूरत नहीं हैं? नहीं, मैं देखो, मैं अभी ठीक ठाक दिख रही होंगी लेकिन मैं आपको अपनी बचपन की फोटो दिखाऊं ना तो वो ऐसे ऐसे आंखें, ऐसे झबरे से, भिल्लो से दिखती थी आप, मतलब गंदी, काजल कहीं फैला, अरे, और मैं ना मतलब लड़का जैसी दिखती थी। मेरी मम्मी मुझे हमेशा लड़कों के कपड़े भी पहनाती थी, अजीब ही टाइप का मुंह था मेरा मतलब बहुत अजीब सी थी और पतली दुबली सीकिया और एकदम काली, इसीलिए मेरे पापा भी मुझे कालू बोलते थे और वो जो मेरा मित्र है अशोक पांडे वो भी मुझे कालू बोलते थे। मेरी बहन बहुत गोरी, चिट्टी, गोल्डन बाल, पहाड़ की खूबसूरत लड़की और बहुत ही तमीज़ वाली, पूरा गांव उसे प्यार करता है। मैं बदतमीज़, चाय बना दे नहीं बना रही ऐसी वाली थी मैं, बचपन में बहुत गंदी थी। तू तड़ाक, मम्मी ऐसे मारती थी मुंह पे मेरे ये और बोली मैंने इनको कतई प्रेरित नहीं किया है घर वालों के बारे में ये सब बोलने के लिए। माय लॉर्ड, मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हूँ। नहीं तो मतलब मैं बहुत अजीब ही टाइप की थी, पता नहीं आई थिंक एक यूनिवर्सल पार या आप अनोखी थी। अनोखी थी हाँ, और मैंने बुद्धू होने के बावजूद, और मैं ना ये बचपन से मेरे अंदर था कि मेरे को मालूम था मैं बुद्धू हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्शियस कि बुद्धू हूँ तो मेरे से आपको यकीन कभी खबर नहीं किया, पता सबका अपने बारे में। जब मैंने हाई स्कूल किया ना, मेरे पापा ने हमें कॉन्वेंट से पढ़ाया था, मैंने हाई स्कूल किया तो मैंने कहा मैं ना खालसा में जाऊंगी पढ़ने के लिए। वो एक हिंदी सरकारी स्कूल था जहाँ सिर्फ 25 पैसे फीस थी, जबकि मेरे पापा ने मेरी बहन को बिरला विद्या मंदिर भेजा था, इतना महंगा स्कूल नैनीताल का। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं तो पढ़ाई में बुद्धू जाके क्या करूँगी, पैसे बर्बाद। कितनी क्लैरिटी, सफाई थी, सफाई से। मैंने कहा मैं वहाँ पढ़ लूँगी, तो मैंने वहीं पढ़ाई करी हल्द्वानी में, खालसा में कॉन्वेंट के बाद। हमको लगा भी कहेंगे कि नहीं नहीं, पापा ने कहा नहीं बेटा, अरे पापा बोले जा। नहीं, मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, मेरे पापा मम्मी मतलब उन्होंने हमें जो हम डिसीजन लेते थे ना कभी ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला एनएसडी। पर आप कैसे लेती थी, आप तो अंडर कॉन्फिडेंट थी। हाँ, पर ये वाली ले लेती थी। द्वैध है यहाँ, है द्वैध है, द्वैध है, लेकिन ये है कि अपनी औकात मालूम है ना। ऐसे नहीं कुछ भी का। नहीं, मेरा मतलब है अभी देखो अभी देखो एक तो हल्द्वानी की लड़की जाके एनएसडी फोड़ रही, फिर कह रही नहीं नहीं, पर एनएसडी में मेरा दूसरे अटेम्प्ट में हुआ। अरे लोगों का तीसरे अटेम्प्ट में नहीं होता है। हाँ, पर मेरे अंदर उतना कौन, मैं सच बात बताऊं, मैं आप फिल्म कब बनाएंगी? मैं तो, मेरे को नहीं लगता मैं शायद लिखूं एक। आपने लिखी है? लिखी नहीं है, पर मेरे नोट्स हैं। एक शॉर्ट फिल्म है जो मैंने लिखी है, वो भी मेरा अपना अनुभव रहा है जो। और क्या नाम है अपनी कंपनी का? हमारी फिल्म कंपनी, बगल में बैठे हैं प्रोड्यूसर। तो लेकिन वो भी मैं अपने किसी दोस्त को बोलूंगी ढंग से लिखे, क्योंकि शायद मैं उतना अच्छा लिख नहीं पाऊँ। जो मैंने महसूस किया था उस जर्नी को ना, वो मुझे नहीं लगता है मैं शायद उतना अच्छा लिख पाऊँ। दूसरा प्रसंग, कितना मुश्किल रहा होगा एक ट्रेंड एक्टर के लिए कॉल ऑफ करना कि नहीं मुझे नहीं करनी एक्टिंग, इनफ इज इनफ। 2011 से 2014-15 का दौर मेरे लिए उस तरह से मुश्किल नहीं रहा था, क्योंकि मैं ना सच बात बताऊं, मैं वो एक्टरों में नहीं हूँ कि पेट में पत्थर बांध के एक्टिंग करूंगी। मैं वो उनमें से नहीं हूँ, मर मर के एक्टिंग करूंगी वाली नहीं है। नहीं हो रही है ना तो छोड़ो, कुछ और करो। इसलिए मैंने जो है फिर मेरी नीना जी से जान पहचान थी, उनके संग एक प्ले किया था मैंने, तो मैंने उनको बोला मेरा पैशन ख़त्म हो चुका है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है अभी कि ओह एक्टिंग करनी है। मैंने कहा मैं यहाँ सर्वाइव कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं एक मैनेजर ढूंढ रही हूँ, उनकी बेटी मसाबा जो डिज़ाइनर है, तो करेगी। मैंने कहा मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे इससे फ़र्क नहीं। आप मसाबा की मैनेजर रही हैं? मैं रही हूँ 1 साल। क्या काम करना होता था? वो तो फैशन डिज़ाइनर, वो फैशन डिज़ाइनर है। एक तो मुझे फैशन, कपड़ा, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक प्ले में भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग किया है, ताजमहल का टेंडर। अरे बड़ा मशहूर जी ने डायरेक्ट किया था, एनएसडी रेपेट्री में चित्ररंजन त्रिपाठी ने डायरेक्ट किया था। उसमें कल्ट प्रोडक्शन ऑफ द, हाँ, तो उस समय मैंने उनसे बोला था क्योंकि मैं शिफ्ट होने वाली हूँ बॉम्बे, तो मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं कॉस्ट्यूम करूँगी। मैंने उसमें कॉस्ट्यूम किया था, और फिर मैंने एक फिल्म में भी एक बार एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आई नहीं थी और ब्लाउज़ गलत बना था, तो वो मैंने उसी समय जितनी देर में सीन बनता एक ब्लाउज़ को बना के किया था। आपने मौके पे ब्लाउज सिल दिया? सिला नहीं था, वो ब्लाउज़ को जो रिक्वायरमेंट थी वैसा बना दिया था। सत्य बोल करके एक, मैं देखिए मैंने कितना सही शब्द चुना, आप अनोखी हैं, आप अजीब मतलब मैं ना ऐसे वैसे वैसा किताब वाला ज्ञान नहीं है। अरे पत्थर पड़े ऐसे पोथी पढ़ जगुआ पंडित भया न कोई, बाकी मैं कुछ भी कर सकती हूँ ये मुझे मालूम है। और आप अंडर कॉन्फिडेंट भी हैं। पर मैं उस चीज में थी। देख रहे हैं गुरु, लेकिन मैं उस चीज ये कुछ भी कर सकती हैं और ये मैं उस चीज में थी क्योंकि मतलब ये मेरा मानना था, अभी पता नहीं जो भी है सच झूठ, पर मुझे मालूम था कि मैं उन लड़कियों जैसी नहीं दिखती थी जो उस समय रिक्वायरमेंट थी। जब आप सानविका इस तरह से अपनी सीनियर एक्ट्रेस को सुनती हैं, हाउ डू यू प्रोसेस दिस? जैसे आपने अभी मेरे ख्याल पहली बार सुना होगा ये। हाँ। तो सच कहूँ तो ये इंस्पायरिंग जर्नी है, क्योंकि जो जो चीज़ें वो बोल रही हैं कि अंडर कॉन्फिडेंट थी मैं, ये थी वो थी, तो सारी चीज़ें मुझ में, मैं भी यही फील करती थी। नहीं, आप तो इंट्रोवर्ट हो। मैं इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट भी रहती हूँ कई बार, तो वो सारी चीज़ें जो मैम की जर्नी सुन रही हूँ तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। एक चीज़ और कॉमन है आप दोनों में। हाँ जी। आप दोनों के ही कान के बुंदे बड़े सुंदर हैं। थैंक यू। इतनी प्यारी है यार ये, एकदम जिसके लिए देवता अपनी, जिसके लिए ऋषि अपनी जिंदगी तलक करते हैं पहाड़ों पे जाके, उधर बाल सुलभ चंचलता इतने नेचुरली आती है, हैं? बढ़िया। अच्छा तो हम लोग देखो ये सब कहेंगे टीवीएफ वाले हमारे दफ्तर में बैठे हो, एसी भी हमारा लग रहा है, बिजली भी हमारी, और बातें हैं ये हैं, लग रहा है एकदम इनका पीआर वाला पुटिया के लाया है लल्लन टॉप वालों को। रिंकी का रोल कैसे, क्या ब्रीफ था, क्या मिला एकदम पहले सीजन में? सीजन वन में ऐसा कोई ब्रीफ नहीं था। सीजन वन में बस ये बताया गया था कि लड़की कम बोलती है, ये ही ब्रीफ था। और मतलब काफ़ी परेशान है, उसके घर में शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है तो घर वाले परेशान हैं, तो उसकी वजह से वो परेशान है। तो ये ब्रीफ मिला था जब मैंने ऑडिशन दिया था, और जब मैं सेट पर गई थी तो भी यही था। फिर सेकेंड सीज़न में जैसा कैरेक्टर डेवलप किया, जैसा वो उसको लिखा गया, तो यही है कि मतलब कम बोलती है लेकिन इंटेलिजेंट है और सादगी से भरी है, क्योंकि गांव की लड़की है, तो वो गांव की लड़की का वो जो पोर्ट्रेयल वो चाहते थे, वो सादगी और वो इनोसेंस चाहते थे, जो कि मैंने उसमें पोर्ट्रे किया। तो यही ब्रीफ था, ऐसा कुछ मेजर वो नहीं था। और कैसे आपने प्रिपेयर किया? थक गए होंगे आप इस सवाल का जवाब दे देके, पर फिर भी मैंने इसे क्योंकि ये मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखी हुई है। मैंने अपनी बहनों को बड़े होते हुए देखा है। मैं बहुत छोटी थी, मेरी बहनें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो ये जो कल्चर है, मैं ये कहूँगी कल्चर तो गलत शब्द होगा, लेकिन जब वो बड़े थे तो उनकी शादी के रिश्ते आते थे और घर का माहौल ही वैसा था कि लड़कों से मिलने नहीं देना है, और तो वो जो एक झिझक थी कैसे जब वो अभिषेक और रिंकी बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने आजू बाजू से ही देखी। हाँ, आप उस टेंशन को हवा में महसूस कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैंने अपनी बहनों को बड़े होते। और फिर वो महान दार्शनिक मोनीश बहल का डायलॉग, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं सकते हैं। दार्शनिक। सो दैट वाज द रेफरेंस पॉइंट। अभी किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं आगे क्या, और आपने कोई रोल अभी साइन किया है? पंचायत भी बाय द वे मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए, ये 8-10 सीजन तक खींचने वाला है। हाँ जी। अरे यहीं पे बैठ के गए हैं, बोल के गए हैं एकदम। सुनीता जी सीरियस बोल रहा हूँ मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ एकदम 8-10 सीजन तक खींचेगा, है ना? और हमको तो ये भी पता है कि अगले सीजन में कौन कौन से एपिसोड है। ये बताओ आप। नहीं नहीं बढ़िया। पब्लिक बहुत पूछ रही है कि रिंकी का ब्याह होगा या क्रांति देवी चुनाव लड़ेंगी या दोनों पैरेलल ट्रैक चलेंगे। और प्रहलाद चाह को प्रॉमिस किया गया है कि चूंकि अब वो दुख में हैं, वजह आपको तलाशनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा उनका आयतन भी घटेगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ। तो किस तरह का रिएक्शन, एक्टिंग ऑफर और आ रहे हैं? हाँ। आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं, आप एक कीवर्ड हैं, सर्च किया जा रहा है, हु इज सानविका एंड ऑल दैट। तो अभी चेंज, तो अगर आप मोबाइल हटा दो तो आपकी दुनिया वैसी ही है जैसे पहले थी। ऐसा होता है आप मुंबई में वेट कर रही हैं तो लोगों ने पहचान लिया हो? अब होने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो अगर जैसे मैं मार्केट जाती हूँ, उस दिन पानी पूरी खा रही थी तो किसी ने बोला आप पंचायत में है ना, और फिर उस दिन ऐसी शॉप में गई थी तो वहाँ पे 2-3 लोग ऐसे पहचान लेते हैं, तो वो रिकग्निशन थोड़ा थोड़ा होने लगा है। लेकिन मेजरली मोबाइल पे, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़े जा रहे हैं, डीएम्स आए जा रहे हैं। तो शादी के प्रपोजल तो नहीं आ रहे हैं ना? डीएम्स में आता है वो, बाकी ऐसे घर वालों को नहीं आ रहे। कितना ये बिट्टू की मम्मी और क्रांति दीदी के बाद बड़ा फैंटास्टिक, मैं मुरीद हूँ आपके काम में। अब तक आपकी एक्टिंग का मुरीद था, अब मैं आपके व्यक्तित्व का भी हो गया हूँ, है ना? हाँ बहुत ये अद्भुत है ये, सीरियसली। तो बिट्टू की मम्मी पापा, जैसे क्रांति देवी और जो भूषण का किरदार है ना, वो कई लोगों को पहली नज़र में लगता है यार ये तो नेगेटिव है ये लोग, पर वो जागरूक लोग हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, जो अथॉरिटी में उनको क्वेश्चन कर रहे हैं और वो स्टैंड ले रहे हैं। तो आपको क्या किस तरह का ब्रीफ था जी? मतलब पूरा सब क्लैरिटी दे दी थी चंदन ने कि मैम ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा, फिर दीपक पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, रिहर्स हो रही थी सब चीज़ें, या कुछ आपने अपनी तरफ से भी ऐड किया उसमें? इतना तो उन्होंने बता ही दिया था कि हम ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये उनके अगेंस्ट ही खड़ा कर रहे हैं, प्रधान जी और मैडम के, तो और ये कि ये लोग सवाल करेंगे, ये मतलब इनको ऐसे मतलब इनकी नींद हराम करने वाले हैं, ये सवाल करेंगे इस चीज़ पे, ये क्यों नहीं हुआ ये, और इनको कोई पसंद नहीं करेगा बिकॉज ये लोग हैं जो सवाल करने वाले को कोई पसंद नहीं करता है कभी भी, है ना? सुना आपने, पर जरूरी भी होता है। हाँ नहीं, सवाल तो बहुत जरूरी है, अगर सवाल ना हो तो फिर क्या क्या हो रहा है, वो जो हमारी सदियों से बहुत सारी चीज़ों का जो आज तक लोगों के पास जवाब नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने हमारे पूर्वजों ने जो सवाल जवाब नहीं किया उसका नतीजा है, और भुगत रहे हैं आज तक लोग। अगर उस समय सवाल जवाब हो जाते तो ऐसा था कि यार गुल्लक से अलग भी दिखना है, क्योंकि कुछ कुछ है ना वो मीटर कहीं कहीं मिल भी रहा था, बहुत मीटर मिलता हुआ है, क्योंकि देखिए एक एक्टर अलग अलग कैरेक्टर्स करेगा, अलग अलग शेड्स होंगे तो तब वो ज़्यादा अलग दिखता है, पर हर एक्टर अपने व्यक्तित्व के हिसाब से ही वो कैरेक्टर बनाता है, तो एक ही इंसान लाउड दोनों में है ऐसा है ना, और तेज तर्रार दोनों में है, बोलने वाले दोनों में है, तो वो ये कॉन्शियस एक रखा गया था शूट करते समय कि, और मैं बार बार सर से पूछ भी रही थी सर वो वैसा अगर हमने ऐसा कहीं करें, हाँ क्योंकि प्रोडक्शन सेम है टीवीएफ का, हाँ तो एक रिएक्शन मतलब अगर करें तो सर ये कहीं बिट्टू की मम्मी तो नहीं लग रहा है, ये तो बहुत ध्यान देना पड़ा था, नहीं तो फिर वो बड़ा आंटी नेक्स्ट डोर रिलेटेबल कैरेक्टर, रिलेटेबल कैरेक्टर। हाँ और आपके केस में प्रहलाद चा? मेरे केस में तो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर ऑफ सीजन 2 एंड सबसे ज्यादा मीम मटेरियल देने वाले, हमको बकायदा हमने पूछा भी इन लोगों से, दीपक वगैरह से, उन्होंने एक आपका ऐसे सीन लिया जिसमें आपका ऐसे हाथ दिख रहा है कि इनका रोल और क्यों नहीं बढ़ाया गया है, ऐसे था अंदाजा, मतलब कब हिट किया कि यार ये तो कुछ खेल हो गया है? 2 वाला की पहला ज़्यादा रिस्पांस तो 2 के बाद आया, 2 के बाद ही आया। फर्स्ट में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरे हिस्से का जो कहते हैं ना, हाँ। कि रात से ही सुबह तक जो फ़ोन, अभी अभी क्या है उसका मतलब 3 गुना ज़्यादा फ़ोन बजाते, जब सीज़न 1 आया था रात से ही तो किसी को पता नहीं था एक्टिंग अच्छी हो जाएगी मुझसे, हाँ। सिवाय इन दोनों के, दीपक और चंदन के, क्योंकि वही लोग मिलने के लिए आए थे, वही कन्विंस थे कि मैं कर सकता हूँ, मैं तो खुद भी नहीं था। हाँ और वो राइटिंग के टाइम ही श्योर थे कि ये फैसल करेंगे। हाँ, राइटिंग के टाइम पे श्योर, मतलब बकायदा कास्टिंग में बोल कि यार थाना प्रभारी धनसर कौन है? हाँ और यही बात जब मैं भी कन्विंस है तब भी वो थे कन्विंस कि ये करना ही करना है। तो एक बार मिले हम लोग, दूसरी बार मैंने बोला भाई इतना अच्छा एक्टर नहीं, मैं छोटी छोटी लाइन देना मुझे, कहने लगे नहीं वो सब हम लोग देखेंगे। तो श्रेय मेरे करियर का तो उन्हीं दोनों को जाता है, डी सी मैंने रखा हुआ है, दीपक एंड चंदन DC फाउंडेशन के पास जाएगा चैरिटी, इन दोनों की वजह से। सेकंड में भी एंड जब मैंने पढ़ा तब भी मैं डर गया, मैंने कहा भाई ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा है ये तो एकदम ही हो रहा है, फिर भी वो दोनों बहुत कन्विंस थे ये, अरे क्या कम मतलब, तो जो है वो करने के लिए श्रेय। तो ये जैसे रिलीज हो गया, हाँ फिर 24 घंटे के बाद इनबॉक्स फुल, मतलब क्या था हिसाब? 24-18 की रात जब से शो आया है तब से मेरा फ़ोन अभी तक उसे बज रहा, दर दर, और मैं जब सुबह तक, अच्छा जो भी मैसेज जो आ रहा है वो कह रहा है क्यों रुलाया क्यों ऐसे, हाँ सब यही कह रहे हैं, फोटो वीडियो भेज रहे हैं। मैंने कहीं मारोगे तो नहीं, कहीं जाऊंगा तो कि जाए तुमने, और वो जो है मतलब उन लोगों वो थे कन्विंस एंड मतलब जो भी हुआ है शो में। मुझे तो बहुत डर लग रहा था करते हुए भी, और जो है ये अच्छा नहीं हुआ, अरे वो तो जो है। चलिए आप लोगों ने इतनी बातचीत की, मन तो मेरा बहुत बात करने का है लेकिन थोड़ा समय की सीमा है ना। कितनी प्यारी सी है यार, ऐसे किसी को देख रहे हैं ऐसे गले लगाने का मन करता है, झप्पी पाने का मन करता है। प्यारे लोग हैं तुम, जितने भी लोग शो में बहुत प्यारे लोग हैं। दे टू गुड केयर ऑफ यू, या मतलब सबने मेरे को फैमिली जैसा ट्रीट किया। ऐसा थोड़ी होता है कि हम एज ए मतलब ऐसे करेंगे। कैसे कैसे वो करते हैं? ऐसे थोड़ी कोई करता है, तो सब तो साथ में ही मिलके काम करते हैं, खाते पीते हैं, वहीं सीहोर में मजे करते हैं। सीहोर मोड़िया गांव, मोड़िया सीहोर। अच्छा ये बताइए, वो जो गहरे कत्थई रंग की बोतलें थी जो दरी बिछा के उसमें क्या भरा होता था? सही से बोलना विद्या का समय। हैप्पी फिज बहुत बुरा होता है भाई। पहले में था कोई ऐसा, हैप्पी फिज का भाई था वो। पर ये है कि मुस्कुराहटों का कोलाज यूं ही गढ़ते रहेंगे, अपने हिस्से की, आपके हिस्से की कहानियां और उन कहानियों को जीवंत करने वाले किरदारों की जो अपनी कहानी, अपनी जर्नी है, वो आप तक लाते रहेंगे। ललन टॉप अड्डा में पंचायत की ये बातचीत और उसकी दूसरी किश्त यहीं पर खत्म होती है, पर हमें ये कॉल दिया गया है कि आगे जो भी चर्चित सीरीज आएंगी उनके क्रिएटर्स से, एक्टर्स से तफसील में यूं ही बातचीत होती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत से आप कुछ और समृद्ध हुए होंगे। अपने तहीं मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में कुछ जुड़ा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखते रहिए ललन टॉप।